हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपका अपने चैनल में स्वागत है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 10 मिनट ऊपर हो गया है। अलार्म वैसे मेरा 5:30 का लगा हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद ठंड है, आप समझ सकते हैं। थोड़ी देर 5-10 मिनट और रेस्ट, उसके बाद फटाफट से उठना पड़ता है क्योंकि अभी काव्या के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो बस इसी वजह से। और ये देखिए आप बाहर का नज़ारा, तो कितना अभी अंधेरा है, आप समझ सकते हैं। और अभी सूर्योदय भी थोड़ा सा लेट होते हैं, तो बस यही है सुबह सुबह। तो बस मैं उठ के आ चुकी हूँ, ब्रश वगैरह कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं गेट बंद कर लेती हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब ठंडी हवा उधर से आती है। तो एक्चुअली हमारा फ्लैट जो है 3rd फ्लोर पे है, तो ऊपर ऊंचे पे थोड़ा ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है इस वजह से। और अभी स्टॉल भी मैंने डाल लिया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और फिर मैं काव्या की कर रही हूँ चोटी क्योंकि स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हैं, तो बस अब काव्या को देना है मुझे फटाफट से नाश्ता। तो मैंने नाश्ते में पराठा बना दिया है और अचार, और दूध दे दूँगी 1 गिलास तो इनका हो जाएगा। और स्कूल में भी लंच वॉक ले जाना अलाउ नहीं है क्योंकि स्कूल जो है ना 8 से 10 का ही है, मतलब 2-2.5 घंटे का स्कूल है, तो लंच वॉक्स अलाउ नहीं है बस इसी वजह से। तो स्कूल इनका काफ़ी दूर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसको वही 7:45 बजे ऐसे निकलना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। और फिर मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। इसकी तैयारी हो चुकी है और ये पता है जल्दी तैयार हो गई, 6:30 से ही। तो अभी बच्चे इतने काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल जा रहे हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, तो मैं उसके साथ एक डोज या कुछ हल्का सा ले लूँगी और फिर मैं खा लूँगी दवा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं मास्क भी सिलती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि काव्या का थोड़ा सा मास्क जो है एक जगह से टाँका टूट रहा था, तो बोल रही मम्मी सिल दो इसको ही और मैं यही पहन के जाऊँगी। तो काव्या रेडी होकर के अलग बैठी है, इंतज़ार कर रही हैं स्कूल जाने का कि टाइम होगा तब जाएंगे। तो तब तक मैं अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर वेट नहीं कर सकती, और फिर मेरा काम भी ज़रूरी है क्योंकि फिर सिवाय उठ जाएंगे तो मुझे वो फिर करने नहीं देता, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करता है। मैंने सोचा आज जल्दी, मतलब सिवाय उठाने है तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली, सोफ़ा फटा के नीचे से पूरा अच्छे से झाड़ू हो गई, क्योंकि रोज़ बहुत अच्छे से अंदर तक नहीं लग पाती है, जब सोफ़ा आप हटाओ तब भी हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े कवर को भी चेंज कर दिया है, मतलब पलट के बिछा दिया, चेंज तो नहीं किया है, तो देखिए कितना अच्छा लगने लगा था। उसके बाद टीवी के आगे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह इस तरह से रहती है, जो कि करनी ज़रूरी ही रहती है। बस अब काव्या के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है और मेरी झाड़ू भी लग गई है, इधर रूम में पूरी लग चुकी है। तो काव्या के जाने के बाद फिर मैं उधर लगाऊंगी बाकी का बेडरूम और बच्चों का रूम, ये सारा करने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह करूँगी। और पता है उस दिन, मतलब वैसे तो मैं जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन अभी तक तबीयत मेरी ख़राब थी तो इस वजह से, मतलब कई बार मैं 7-7:30 भी हो जाता था मुझे उठते उठते। तो आप समझ सकते हैं ठंड में थोड़ा सा ऐसे लेज़ीपन आ जाता है, लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दी उठी। और बाकी तब से स्कूल चालू हुए तो ऐसे ही चल रहा है, जल्दी का ही चल रहा है सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, शरीर में फुर्ती भी रह रही है, काफ़ी ठीक लग रहा है, तबीयत भी अच्छी लग रही है। तो जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मतलब हमको मिल सकते हैं, और फिर रात में भी नींद ना बहुत टाइम से आ जाती है और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो बस ये अगर दिनचर्या रहे ना तो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है ना, हम फिट रहते हैं। कहते हैं ना कि चिड़िया सोए तो सो जाना चाहिए, चिड़िया जब जागे तो जग जाना चाहिए, ऐसे बोलते थे हमारे बड़े बूढ़े। तो अभी देखिए मेरा पोछा हो नहीं पाया है, बस थोड़ा सा हो पाया है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा बचा है, बाकी हो गया है। और बस सिवाय महाराज उठ चुके हैं तो ये बैठ के रो रहे थे, फिर मैं फटाफट से आई, इनको देखा। खैर ये कि बहुत ज़्यादा रोता गाता नहीं है कि बहुत देर तक रोए, तो ऐसी इसकी आदत नहीं है, 1 मिनट समझा दो फिर बात समझ जाता है। बेडशीट में चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल ही की है, और सिवाय का ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ये सुसु उसू करें या कुछ, ऐसा कोई इनका इशू नहीं है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो।
गुड मॉर्निंग। जोर से करो। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आप सब कैसे हैं? सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं। बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे होंगे। अब मैं डूडू भी होऊंगा, चूचू करूंगा, डूडू भी होऊंगा। पहले तो सबसे पहले तो शूशू करेगा, फिर ब्रश करेगा, फिर डूडू पिएगा अपने हाथों से। आपको पता है सिवाय मेरे अपने हाथों से दूध पीता है, ग्लास पकड़ के अपने हाथ से पी लेता है ना। बता दो, पी लेता हूँ? पीता हूँ। जोर से बोलो, पीता हूँ। हाँ चलो। रोही दीदी और सिवाय में रेस लगेगी दूध पीने की, तो कौन जीतेगा बताओ? मैं। आप जीत जाओगे? हाँ। सच में? हाँ। जल्दी पीना पड़ता है, पी लोगे? हाँ। पी लोगे? ठीक है। तो ये देखिए दूध है सिवाय और आरोही का, और दोनों में कंपटीशन होने जा रहा है, देखती हूँ कौन जीतेगा। ये चलो सिवाय जीतेगा, सिवाय जीतेगा, सिवाय जीतेगा कि आरोही दीदी जीतेगी, कौन जीतेगा? जल्दी जल्दी सिवाय, जल्दी पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो, जल्दी पियो। हाँ शाबाश, जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। आराम से, घटक नहीं रहा तुम, जीत गया क्या? और थोड़ा बच्चा, जल्दी पीजिए, जल्दी पीजिए, जल्दी पीजिए, जल्दी पीजिए, जल्दी पीजिए। खत्म। अरे शिवाय जीत गया, जीत गया, जीत गया, शिवाय जीत गया। ये देखिए शिवाय मेरा जीत गया, शिवाय गुड बॉय बन गया। आरोही दीदी हार गई। ला ये देखिए, आरोही भी पी चुकी, शिवाय भी पी चुका। तो मैं ना बच्चों की ऐसे ही रेस लगाती हूँ, और अभी सिवाय ने मेरे 5-6 दिन से दूध अपने हाथ से गिलास से पीना चालू किया है। तो ऐसे रेस लगाने से ना बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना पड़ती है, और वो ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो जब काव्या आरोही छोटी थी ना, तब उनके साथ भी मैं ऐसा ही करती थी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आपका अपने चैनल में स्वागत है, बहुत 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 ढेर सारा स्वागत है, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी टाइम हो रहा है वही 7:45 के करीब टाइम हो रहा है, मेरा नहाना धोना, क्लीनिंग सब कुछ, और थोड़ा लेट हो गई, वरना सारा कुछ 1 घंटे के अंदर हो जाता है। मैं क्या कर रही थी ना, मुझे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जैसे थोड़ा काम करके फिर मैं बैठ जा रही थी, फिर थोड़ा काम करके फिर बैठ जा रही थी, ऐसे हो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर बीच में सिवाय उठ गए तो सिवाय का काम चलने लगा, तो आप समझ सकते हैं ऐसे ही लेट हो गया। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, पूजा वूजा हो गई, भगवान का दिया हुआ लग गया, सब हो गया। तो बस अब बनाना है नाश्ता, ज़्यादा कुछ काम नहीं बचा बचा है, नाश्ता बनाना। नहा लो ना, बस रिलैक्स फील होने लग जाता है, अच्छा लगता है मतलब। और आज मैंने बहुत दिन बाद ये वाली साड़ी पहनी है, और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, कलर ही इतना अच्छा है उसका, है ना। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और कमेंट करके अपने भी हालचाल दिया करिए मुझे, है ना। तो बस यही है, अभी सिवाय का नहाना चल रहा है, और चल क्या रहा, मैं नहलाऊंगी, अभी उसका नहीं चल रहा, आरोही गई है नहाने के लिए, वो अपने आप नहा लेती। तो कभी कभी मुझे नहलाना पड़ता है, कभी कभी खुद नहा लेती। और उसकी अभी ना असेंबली चालू होने वाली, काव्या है नहीं, आपको पता ही है स्कूल गई हुई है, तो बड़ा सूना सूना लग रहा है, इतने दिन बाद स्कूल गई है इसीलिए। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छी तो आपको लगेगी लगेगी और लगनी चाहिए, ठीक है। बस मुझे नहीं पता और कुछ भी अगर नहीं नहीं अच्छा लगता है या कोई भी चीज़ है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए कुछ चीज़ें, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम से आएँ, और हमारे आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें, ठीक है। तो अभी जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो इधर काफ़ी टाइम से मतलब
10-15 दिन से। मैं सुबह में सबसे पहले मैं पपीता ही खाती हूँ, तो नहाने धोने के बाद सब पूजा पाठ हो गया तो मैं पपीता ले रही हूँ थोड़ा सा, और बच्चे भी खाएंगे साथ में। तो उसके बाद अभी वही 10:30-11 का टाइम हो रहा है, काव्या भी आ चुकी हैं। काव्या 10 बजे आ जाती है, 10:30 बजे, तो काव्या का सब हो गया है। तो उसके बाद अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ मसाला आलू सिंपल, इसमें कोई भी प्याज लहसुन नहीं है। वैसे भी प्याज लहसुन हम कम ही मतलब इस्तेमाल करते हैं, और बस साथ में पराठे। तो एक बोल रही थी पूरी बना दो मम्मी आरोही, और एक बोल रही थी पराठे। नाश्ता बनकर तैयार है, तो आ जाइए आप भी सर्दियों में मसाले आलू और पराठे का मजा टेस्ट लीजिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं जाती हूँ बच्चों को खाना दे देती हूँ जल्दी से, खाना मतलब नाश्ता है ना, मेरे खाना ही निकलता है मुँह से। तो टेस्टी टेस्टी आलू आप भी घर पर बनाइए और खाइए मसाला आलू।